नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरदोई के शाहबाद से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी जाहिर हुसैन से की गई वार्ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रत्याशी जाहिर हुसैन आजाद समाज पार्टी अपने विकास की योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा, शाहबाद का विकास करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। हमारे संवाददाता से हुई खास बातचीत। ये विकास हुआ, विकास उसने अपने मेहनत की दम पे नहीं किया है, जो हम जैसे लोगों से गरीब जनता जो टैक्स भरती है उस रुपए से, जो कुछ भी रुपया आया उसको सब खा गया, ना के बराबर लगाया। और पब्लिक बेचारी गोली वाली, उसको पता नहीं कि उसका रुपया कितना आता है, कितना गवर्नमेंट पे करती है। यहाँ सबको अपने पेट भरने से मतलब है, यहाँ किसी को इस बात का मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या कर रहे हैं लोग। आप युवा हैं, राजनीति का व्यक्ति, चुनना हमारी मजबूरी हो गई। राजनीति का असल में मैंने एक थॉट पढ़ा था अभी चाणक्य का, एक थॉट में वो ये लिखा हुआ था कि अगर आप राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो अयोग्य व्यक्ति इन्हीं के जैसे आप पर राज करेंगे, और आप पढ़े लिखे होके बिल्कुल गवारों की तरह जो है इधर जो पुराना खजड़ा या जो पुरानी ईंटें या जो भी पहले से था पड़ा उसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए था रोड का। कहीं भी कानून ये नहीं है कि पुराना खजड़े की ईंटें उखेड़ के अपने घर में डलवाओ या बेचो या जो भी इस्तेमाल करो, उसके बाद में नए सिरे से उसको लगवाए। दूसरी टाइप के इस टाइप के घोटाले एक नहीं एक हजार हैं। मैंने लिस्ट कोई तैयार नहीं करी, मैंने किसी तरीके कोई बात लिख कर पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं करी। और कुछ पूछना पूछे चाहिए कि अभी तक हमने सब सारी चीज़ें सुनी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने एहसास करी है। अगर आप लोगों ने और तमाम लोगों ने ईमानदारी के साथ मेरा साथ दिया, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, सभी पत्रकार बंधुओं से कह रहा हूँ और तमाम पब्लिक और तमाम शाहबाद की जनता से कह रहा हूँ, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, मैं सबसे ये वादा करता हूँ कि अगर मेरा साथ दिया, ईमानदारी के साथ साथ दिया, और ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह नीयत हमारी साफ सफाई की हमारे दिल में आज भरी हुई है, मैं ये सबसे पहले ऊपर से अल्लाह ताला से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये हमारी नीयत कभी भी पैसे को देख के या किसी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज़ को देख के हमारी गंदी ना हो। पहले मैं ये प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने और शाहबाद की जनता ने हमको इस लायक समझा और उस कुर्सी तक बैठाया, तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि दलाली, कमीशन, घूसखोरी और घूसखोर, किसी भी टाइप का रुपया जो इलीगल होगा, ना मैं किसी को खाने दूंगा और ना ही मैं खुद खाऊंगा। ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड करके रख लेना। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे ऊपर, लोग पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं कि मैं फला शख्स का खड़ा करा हुआ हूँ, फला शख्स का खड़ा करा हूँ, तो मैं उस हर एक मर्द के बच्चे को चैलेंज करना चाहता हूँ कि वो हमारे दादा परदादा वालिद का कोई एक रिकॉर्ड निकाल के दिखा दे कि जिसमें हमारे वालिद ने कोई दलाली कभी करी हो। इतने लोग खड़े, कोई बोल दे कभी कमीशन खाया हो किसी टाइप की। आजाद समाज पार्टी हमारी पार्टी का नाम है, इसके चीफ जो है वो चंद्रशेखर राव जी। बात मुद्दों की है तो मुद्दे तो मैं ज्यादा नहीं कह रहा, ना मुद्दों का मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा, बात मसलों की है और बात मसाइलों की है। बात बहुत सारे ऐसे कामों की है और काम को हम कभी किसी मुद्दे से नहीं जोड़ते। दूसरी चीज ये है कि तमाम ऐसे काम हैं जो पब्लिक कह कह के परेशान हो चुकी है, बड़ी तकलीफ होती है उनको, और बहुत सारी जनता को हमारी ये पता भी नहीं है कि ये वाकई कानून है, रूल है या नहीं है। नगर पालिका की रूलिंग
एक अलग चीज है, और जो बोर्ड की मीटिंग किसी भी कानून को पास करती है वो एक अलग चीज है, ये पब्लिक नहीं जानती। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 2% बैनामे के बाद में दाखिल खारिज की फीस नगर पालिका शाहबाद में पड़ती है, वो हमारी नॉलेज में, हमारे संज्ञान में ऐसा कहीं नहीं है, ना ही मैंने पढ़ा है कि ऑल ओवर यूपी या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी दाखिल खारिज की 2% फीस पड़ती हो। यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष ने अपनी सर्वसहमति से बोर्ड की मीटिंग में ये 2% चार्जेस जो आम पब्लिक पर लगाए हैं उसको लेकर सबसे ज़्यादा दुख मुझे है। हालांकि ऊपर वाले के कर्म से कोई पैसों की कमी या तंगी नहीं है, आप सबकी दुआओं से ऊपर वाले ने हर तरीके से नवाजा है, लेकिन जो बेचारी गरीब जनता है, हमारे भाई हैं, बहन है, या किसी घर में हमारे बहनों के भाई तक नहीं है, वो उस चीज़ को कहाँ से अदा करे, कहाँ से लेके, जैसे तैसे जोड़ के अगर उसने कोई मकान ले लिया बेचारी ने, या प्लाट ले लिया जेवर, या कोई चीज़ अपने गिरवी रख के जैसे तैसे एक छत का उसने इंतज़ाम किया, तो अब वो 2% फीस कहाँ से लेके आई ये उस बेचारी को नहीं पता, ना ही उसकी कोई सुनने वाला, उसको सिर्फ इतना पता है कि ये 2% पड़ती है। दूसरी चीज, तमाम रास्ते ऐसे पड़े हुए जो बड़े गंदे हैं, और जितने भी रोड हमारे नज़र में जो है लगभग शाहबाद के जितने जितनी भी रोडों का दोबारा निर्माण किया गया।